वेलकम बैक टू माय चैनल। इसकी पहले वाला वीडियो में जो पेंटिंग मैंने किया था, A4 वाला पेंटिंग, उस टाइम मैंने क्या बोला था, बहुत जल्द इस पेंटिंग को हम अनबॉक्सिंग करेंगे। तो हे गाइस, आज मैं इसको अनबॉक्सिंग करेंगे आप लोगों को साथ में। ओके, तो पहले जब मैंने 2 पेंटिंग किया था उस टाइम इस पेपर को मैंने चिपक दिया था, तो नेक्स्ट जब 3 नंबर वाला पेंटिंग किया था सेम चीज किया मैंने, इसीलिए मेरे को भी सब्र नहीं हो रहा है। मेरे को भी देखना है 4 पेंटिंग एक्चुअल में कैसे दिख रहा है, कैसे हुआ, मतलब ये बेचैन मेरे को भी हो रही है, इसलिए जल्द से जल्द हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे। इसलिए इसको पहले इस वाला पेपर को मैंने बहुत ही अच्छे से अटकाया था, तो इसको रिमूव करेंगे हम। ओके, चलो शुरू करते हैं। हाँ, पहले बोल देती हूँ, जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, और जो लोग आर्ट करना पसंद करती है उन लोगों के साथ शेयर भी कर देना। ओके गाइस, चलो जल्द से जल्द इस वाला पेंटिंग को हम लोग अनबॉक्सिंग करते हैं, मतलब इस वाला पेंटिंग के ऊपर जो पेपर लगा है उसको हम लोग खोल देती हूँ। ओके चलो। ओके गाइस, पेपर खोल दिया, मतलब अनबॉक्सिंग हो गई। आप लोगों को दिख रहा है 4 पेंटिंग, एंड मेरे चैनल पे 4 पेंटिंग की ट्यूटोरियल मैं दे के रखा, एंड जो लोग मेरे चैनल पे नहीं आए हो, फर्स्ट बार आए हो, आप लोगों को पता नहीं, प्लीज जो लोगों को जो वाला पेंटिंग पसंद है मेरे चैनल पे जाना, चेक कर लेना, वो वाला वीडियो देख लेना। यहाँ पे मेरे को सबसे ज्यादा अच्छी लगी है 4 नंबर वाला पेंटिंग, क्योंकि वो कलर मेरे पास नहीं, एंड कभी भी मैंने वो वाला कलर में पेंटिंग नहीं किया, मैं फर्स्ट बार किया। ओके, इसके बाद इसकी चारों तरफ जो बॉर्डर है उस बॉर्डर को हम लोग उठा देंगे, वो भी बड़ी ध्यान से करने पड़ेंगे। यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे से दिखाने की कोशिश किया, आप लोग देखो, हम लोग जो करती हूँ साइड वाला पेपर को उठाने के लिए, उसी तरह से यहाँ पे कभी भी मत करना, क्योंकि पेंटिंग खराब होने के चांस बहुत ही ज़्यादा रहती है, इसीलिए हमेशा इसी तरह से करना, थोड़ा इसी धार को उठकाना एंड थोड़ा इसी धार को उठकाना, इसी तरह से करते रहना एंड अच्छे से होगा। फिर भी पेपर को नुकसान होती है, मतलब उठ जाती है, उसके लिए मेरे पास सोल्यूशन है, उसको भी मैं अच्छे से दिखाने की कोशिश करूँगी। ओके गाइस, इसी तरह से अच्छे से बहुत ही ध्यान से करना। ओके, सच में जब मैंने आप लास्ट वाला पेंटिंग किया था उस टाइम मैं घबरा गई थी, कैसे करूँगी, क्या होगा, मैं अच्छे से उस कलर को क्रिएट कर पाऊँगी इसी तरह से, बट मैंने ट्राई किया एंड हुआ। इसी तरह से आप जब कोई काम करेंगे आपकी 100% देंगे एंड गाइस ठीक होगा। तो चलो हम लोग कर लेती हूँ इसको फटाफट से, मतलब फटाफट का भी नहीं करना, स्लोली करना। यहाँ पे मैंने स्लो भी किया बट मैंने स्पीड कर दे रही हूँ। ओके गाइस, देखो इसी तरह से हो जाती है, तो इसके लिए भी मेरे पास सोल्यूशन है। तो इसके लिए क्या करना, आपके पास जो भी ब्लू गम है उस ब्लू गम को इसके ऊपर दे देना बहुत ही अच्छे से, एंड इसके भी कुछ तरीका है वो मैंने दिखाने की कोशिश करूंगी। ओके चलो, ब्लू गम लेते हैं एंड इसी तरह से पेपर के ऊपर दे देना है, एंड जब पेपर उड़ जाती है इसी तरह से नीचे वाला पोर्शन पे दे देना एंड उसके ऊपर अच्छे से दे देना, इसी तरह से बहुत ही केयरफुली कर लेना। एंड गाइस, जब कंप्लीट हो जाएगा आप लोग देखेंगे कहाँ है हम लोगों का पेपर, मतलब इसी तरह से जो हुआ था, इसलिए चारों पास बहुत ही अच्छे से ध्यान से एक एक करके इसी तरह से कर लेना। ओके, ओके गाइस, आप लोगों को दिख रहा है मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से स्लोली दे रहा हूँ, एंड आप लोगों भी इसी तरह से कोई ब्रश ले लेना एंड बहुत ही अच्छे से इसी तरह से दे देना। ओके, कंप्लीट हो गई, एंड कंप्लीट होने के बाद देखो कोई
पेपर उठना, कोई पैचेस कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। एंड देखो बहुत ही अच्छी लग रही है। ओके गाइस, आप लोगों ने भी जब ये वाला प्रॉब्लम होगी तो इसी तरह से कर लेना। ओके एंड पेंटिंग कैसे लग रही है, मतलब चारों को एक साथ में? मेरे को तो बहुत अच्छी लगा, मतलब जब मेरे दिमाग में आई थी तो चारों फ्लावर को एक साथ में रखूंगी एंड इसको मैंने फ्रेम बनाऊंगी। ओके गाइस, आप लोगों ने भी कमेंट करके बताना कैसे लगा मेरे ये वाला वीडियो एंड पेंटिंग, जो भी सोचो यार। ओके कमेंट कर देना एंड जो लोग नए हैं प्लीज, हमेशा मैं ये बोलती रहती हूँ, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर भी कर देना और कमेंट भी करो यार, कमेंट कर देना। कमेंट पढ़ने से बहुत ही अच्छी फील होती है, बहुत अच्छी लगती भी है एंड कम करने की जोश आती है। ओके गाइज, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। हेल्दी रहना, स्वस्थ रहना, बाय।